हाय दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों, ऑक क्रिएशन स्टूडियो के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जो बचा है वो बस नाम का ही रह गया है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको हर जगह भीड़ ही दिखाई देती है, तो ऐसी भीड़ में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं या फिर आपको शुगर बीपी जैसी बीमारियां हैं तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। पर दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी भेल के बारे में बताएंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, ये जो आप दिल के आकार की पत्तियों वाली बेल देख रहे हैं ये है गिलो। आपने गिलो के बारे में अनेक बातें सुनी होंगी और शायद गिलो के कुछ फायदों के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको गिलो के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी हम आपको बताने जा रहे हैं। गिलोय के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत सारी फायदेमंद बातें बताई गई हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और तीखे होते हैं। गिलोय का उपयोग कर वात, पित्त और कफ को ठीक किया जा सकता है। गिलोय पचने में आसान होती है, भूख बढ़ाती है और साथ ही आँखों के लिए भी लाभकारी होती है। आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही ये वीर और बुद्धि बढ़ाती है और बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग में भी प्रयोग की जाती है। महिलाओं की शारीरिक कमजोरी की स्थिति में यह बहुत अधिक लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको गिलोय की पहचान है? ये देखने में कैसी होती है? गिलोय की पहचान और गिलोय के औषधीय गुण के बारे में जानने के लिए चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। गिलोय अमृता अमृतवली अर्थात कभी ना सूखने वाली एक बड़ी लता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा लगता है। इसके कोमल तने तथा शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके पत्ते कोमल तथा पान के आकार के और फल मटर के दाने जैसे होते हैं। यह जिस पेड़ पर चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़े को भी खत्म करती है। टीबी रोग का कारण बनने वाले जीवाणु की वृद्धि को भी रोकती है। आंत और यूरिन सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी ये खत्म करती है। गिलोय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः निम्न प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय में शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अगर आप मौसम बदलने पर अक्सर बीमार पड़ जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर है। ऐसे में गिलोय जूस का सेवन करना आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसके नियमित सेवन से शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता और कई बीमारियों से बचाव होता है। सदियों से बुखार उतारने के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप 40 ग्राम गिलोय को अच्छी तरह मसल कर मिट्टी के बर्तन में रख लें। इसमें 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर रात भर ढककर रख लें। इसे सुबह छानकर प्रयोग करें। इसकी 20 ml की मात्रा दिन में 3 बार पीने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है।
गिलोय के रस तथा पेट से घी को पकाएं, इसका सेवन करने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। 20 ml गिलोय के रस में 1 ग्राम पिपली तथा 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे सुबह और शाम सेवन करने से पुराना बुखार, कफ, खांसी आदि रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के सेवन से आप कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, लीवर डिसऑर्डर और उल्टी का भी इलाज कर सकते हैं। गिलोय के 10 से 20 ml रस को गुड़ के साथ सेवन करने से कब्ज में फायदा होता है। सुबह और शाम गिलोय का काढ़ा पीने से कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। आप गिलोय से अपनी डायबिटीज का भी इलाज कर सकते हैं। गिलोय के 10 से 20 ml रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से भी डायबिटीज में फायदा होता है। आप गिलोय, खस, पठानी, अंजन, लाल चंदन, आंवला, हरड़, इनके साथ ही परवल की पत्ती, नीम की छाल लें। इन सभी द्रव्यों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूट लें। इस चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर मधु के साथ मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे डायबिटीज में लाभ होगा। अगर आप भी थकावट की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गिलोय के इस्तेमाल से अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। गिलोय आपके गठिया जाने की अर्थराइटिस रोग में भी फायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का 3 से 6 ग्राम चून या 10 से 20 ग्राम पेस्ट या फिर 20 से 30 ml काढ़े का रोज सेवन करने से आप गठिया रोग में अत्यंत लाभ ले सकते हैं। सोंठ के साथ सेवन करने से भी जोड़ों का दर्द मिटता है। गिलोय का सेवन आपके आंखों के रोग में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। गिलोय के औषधीय गुण आंखों के रोगों से राहत दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए 10 ml गिलोय के रस में 1-1 ग्राम शहद व सेंधा नमक मिलाकर खूब अच्छी तरह पीस लें। इसे आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे अंधेरा छाना, चुंबन और काला तथा सफेद मोतियाबिंद रोग ठीक होता है। गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 ml काढ़े में 1 ग्राम पिपली चून व शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से आंख की रोशनी बढ़ जाती है। गिलोय का सेवन करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका सही मात्रा में और सही तरह से सेवन किया जाए, तभी आप इसके फायदे ले पाएंगे। गिलोय के इस्तेमाल से आप अपनी बढ़ती उम्र को भी छिपा सकते हो और आप हमेशा ताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर गिलोय के बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। गिलोय डायबिटीज मधुमेह को कम करता है, इसलिए जिन्हें कम डायबिटीज की शिकायत हो वे गिलोय का सेवन ना करें। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है। ऐसे में गिलोय बहुत उपयोगी है क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर आयुर्वेदिक दवा है। आप नियमित सेवन से कोविड-19 समेत कई अन्य संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस बदलते मौसम में
अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी। बाय बाय।